नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इंटेक्स स्काडा में सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिक्योरिटी के बारे में चीज़ें सीखेंगे कि सिक्योरिटी होती क्या है, किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बेसिकली जो सिक्योरिटी है वो अनऑथराइज्ड पर्सन के एक्सेस के लिए इस्तेमाल की जाती है कि कोई भी जो स्काडा में हमने ड्रॉ किया है या एनिमेशन हमने बनाए हैं वो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके, उसके लिए हमें यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रोवाइड करनी होती है इंटेक्स स्काडा में। जैसे कि कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस लेवल्स होते हैं किसी भी प्रोसेस को करने के लिए। जैसे कि हम बात करें, ऑपरेटर लेवल है, इंजीनियर लेवल है, मैनेजर लेवल है, हर एक के पास अपना फंक्शन जो है डिफाइंड है। जो ऑपरेटर है वो सिर्फ पर्टिकुलर स्क्रीन्स पे ही वर्क कर सकता है या पर्टिकुलर मशीन पे ही वर्क कर सकता है, लेकिन जो मेंटेनेंस इंजीनियर है उसके पास थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्सेस है कि वो उस मशीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना है तो वो भी कर सकता है। लेकिन अगर उस मशीन का अगर प्रोग्राम अगर किसी को चेंज करना है, लॉजिक अगर चेंज करना है, तो वो मेंटेनेंस इंजीनियर के पास ना होकर मैनेजर के पास वो एक्सेस होता है। दैट इज मेजर मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो। इसी तरीके से स्काडा सिस्टम में भी हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस होते हैं सिक्योरिटीज के लिए कि कोई भी जो ऑपरेट कर रहा है स्काडा को वो कितना उस स्काडा को एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करना होता है सो दैट कि कोई थर्ड पर्सन जो अनवांटेड कंडीशंस इसके अंदर छेड़खानी ना कर सके, किसी वैल्यूज को मॉडिफाई ना कर सके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे हर एक को एक्सेस प्रोवाइड करना होता है। जनरली जो इंटेक्स स्काडा है इसके अंदर जो एक्सेस है वो नंबर्स के बिहाफ पे दिया जाता है, 0 से लेकर 999। तो आइए सिक्योरिटी को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 स्क्रीन्स है, screen 1, screen 2, screen 3। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो स्क्रीन्स है वो डिफाइंड होती हैं। जैसे कि प्रोसेस अगर हम बात करें, जैसे वाटर फिलिंग का है या मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क प्रोडक्शन के लिए, देन प्रोडक्शन हो रहा है, देन उसके बाद उसकी पैकेजिंग होगी, देन डिस्पैचिंग एरिया है। तो हर एक जो फंक्शन है हमने डिफाइन किया हुआ है स्क्रीन्स के ऊपर, और यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा कि कितना हम किसको एक्सेस देना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेटर है तो सिर्फ पर्टिकुलर मशीन का है उसके पास एक्सेस हो, जो मेंटेनेंस इंजीनियर है उसके पास दो से ज़्यादा स्क्रीन का एक्सेस हो, और जो मैनेजर है उसके पास कंप्लीट स्काडा का एक्सेस हो। तो ये हम एक्सेस लेवल के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे 3 विंडोज ड्रॉ करनी है, या नंबर ऑफ स्क्रीन्स आप बना सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक और हम स्क्रीन बना लेते हैं, मेन स्क्रीन, जो कि हमारी सिक्योरिटी स्क्रीन कहलाएगी, कि जब तक हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड ना डालें तब तक वो स्क्रीन ओपन नहीं होनी चाहिए। तो इन स्क्रीन्स पे हम एक बटन ले लेते हैं मेन स्क्रीन पे जाने के लिए। लेट सपोज शो विंडो में सिक्योरिटी स्क्रीन, क्योंकि एक बार जब एक्सेस हो जाएगा देन हम मेन स्क्रीन पे इसको प्रेस करके जा सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और विंडो 2 थ्रू सिक्योरिटी पे, और विंडो 3 से भी हम मेन स्क्रीन पे जा सकते हैं। मेन स्क्रीन पे हमें क्या करना होगा कि जब हम स्विच पे क्लिक करते हैं या उस स्क्रीन नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर स्क्रीन ओपन होनी चाहिए। तो यहां पे भी हम सेम शो विंडो का इस्तेमाल करते हैं। 3 विंडो थी हमारे पास, तो जब इसको क्लिक करें तो ये विंडो 1 पे जाना चाहिए, जब इसे क्लिक करें तो ये विंडो 2 पे प्रोसेस होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए,
और इसके थ्रू हमें विंडो 3 डिस्प्ले होनी चाहिए। इनका नाम चेंज करते हैं कंट्रोल एल करके W1 W2 एंड W3। ये अभी हमने 3 स्क्रीन स्टॉक कर ली है। अब हमें सिक्योरिटी प्रोसेस करने के लिए हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी कि जो ये 3 स्क्रीन्स है किसको हमें कौन सा एक्सेस देना है, उसके लिए हमें यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डिफाइन करने होंगे। तो उसके लिए भी हम बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज इसको हम नाम चेंज करते हैं कंट्रोल एल करके यूजर नेम एंड पासवर्ड। जो यूजर नेम और पासवर्ड्स होते हैं वो एक तरीके के हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के या मैसेज टाइप में होंगे, क्योंकि यूजर नेम किसी का बेसिकली नेम वगैरह या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा, तो जनरली वो स्ट्रिंग फॉर्मेट्स में आते हैं। तो यहाँ हम यूजर नेम पे यूजर इनपुट में स्ट्रिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम टैग नेम जो सेलेक्ट करेंगे वो टैग नेम हमारा बाय डिफॉल्ट सिस्टम टैग नेम होगा। जब हम टैग नेम पे डबल क्लिक करेंगे तो एक मैसेज विंडो पॉपअप होगा। इस विंडोज के अंदर से हमें प्री डिफाइंड टैग नेम्स होंगे जो कि सिस्टम टैग नेम्स कहलाते हैं, उनका इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर है, ऑपरेटर डोमेन, ऑपरेटर एंटर्ड, पासवर्ड एंटर्ड, तो हमें यहाँ पे ऑपरेटर का जो नाम है वो एंटर करना है, तो हम ऑपरेटर एंटर्ड को सेलेक्ट करते हैं। ओके ओके, देन पासवर्ड एंटर कराने के लिए अगेन स्ट्रिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर का सिलेक्शन करेंगे जो कि सिस्टम टैग नेम्स है, जो कि प्री डिफाइंड टैग नेम्स होंगे और ये हर समय जो है डॉलर साइन से स्टार्ट होते हैं। जितने भी सिस्टम टैग्स होते हैं इंटेक्स स्काडा में वो सारे डॉलर साइन से स्टार्ट। अब अगर हम यहाँ पे एक विंडो स्क्रीन पे चले गए, अब उस स्क्रीन से वापस आके मुझे लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट के लिए भी हम एक बटन ले लेते हैं उस स्क्रीन से लॉग करने के लिए, लॉग ऑफ और लॉग आउट। ओके, इस स्विच को एक्सेस करने के लिए हम इस पे एक्शन पे जाके एक प्रोसेस लिखते हैं कि Y1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ। जो लॉग ऑफ का जो रिटर्निंग वैल्यू होगा वो हमारा Y1 में जाएगा। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, Y1 इज इक्वल टू फंक्शन में ऑल और यहां से लॉग ऑफ वैलिडेट एंड ओके। देन उसके बाद हम स्पेशल पे जाएंगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में यहां पे फर्स्ट है सेलेक्ट सिक्योरिटी टाइप। यहां पे जो सिक्योरिटी टाइप है वो तीन चार तरह की है, एस्टर, इंटेक एंड ओएस। जो फर्स्ट सिक्योरिटी एस्टर वो बेसिकली किसी एनिमेशंस को या इमेजेस के लिए होगी, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इंटेच का इस्तेमाल हम विंडो को, जो भी हमने स्क्रीन ड्रॉ की है उस पूरी स्क्रीन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं। और ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम को, अगर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है देन हम ओएस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे इंटेच सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे। देन अगेन स्पेशल सिक्योरिटी लॉग ऑन। तो लॉग ऑन का यहाँ पे जो फंक्शन है यूजर नेम और पासवर्ड, ये बाय डिफॉल्ट इंटेच का जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है सिक्योरिटी का वो हमें यहाँ लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिक्योरिटी डिफाइन करने के लिए जो भी हम यूजर नेम और पासवर्ड देना चाहते हैं इंटेच स्काडा में, तो उसको एक्सेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंटेच की सिक्योरिटी के अंदर एंटर होना होगा। इसके अंदर जो इसका बाय डिफॉल्ट नेम है वो है एडमिनिस्ट्रेटर, ए बी
और बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है वंडरवेयर, WONDERWEAR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटेच सिक्योरिटी के अंदर एक्सेस होंगे, देन जब हम इंटेच की सिक्योरिटी के अंदर आ चुके हैं देन ही ये ऑप्शन जो यूजर का है, कॉन्फिगर यूजर का है, वो ओपन हो पाएगा। इसके बाद हम अपने यूजर्स को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या नाम से हमें स्क्रीन को ऑपरेट कराना है। लेट सपोज ऑपरेटर ओपी पासवर्ड इज 1, और यहां पे हमें एक्सेस लेवल डिफाइन करना होगा उस ऑपरेटर के लिए कि वो कितना एक्सेस कर सकता है। अब ये जो एक्सेस लेवल है वो 0 से लेकर 9999 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट सपोज 200 ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम दूसरा यूजर देंगे, दैट इज इंजीनियर ENG, पासवर्ड देंगे 2 और एक्सेस लेवल देते हैं लेट सपोज 400 एड। नेक्स्ट है मैनेजर MAN, पासवर्ड इज 3, एक्सेस लेवल इज 600 एड एंड ओके। देन जो अभी हम एक्सेस लेवल देके आए हैं 200, 400 एंड 600, तो इसको भी हम एक्सेस देंगे डिफरेंट प्रोसेस के लिए, जो भी स्क्रीन है उसके लिए। तो जो स्क्रीन हमने यहाँ ड्रॉ किए हैं इसके ऊपर हम एक्सेस को डिफाइन करते हैं मिसलेनियस में, डिसेबल। डिसेबल पे डबल क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे एक्सेस लेवल होगा फर्स्ट, देन इक्वल टू 200 और डिसेबल स्टेट ऑफ रखेंगे ओके। नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे डिसेबल स्टेट में 400, नेक्स्ट में डिसेबल स्टेट 600 ओके करेंगे, देन रन करते हैं। तो यहां देखिए बाय डिफॉल्ट सारे हमारा जो सिस्टम है वो सारे ऑफ है, हम विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड इन स्क्रीन को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड देना होगा, तो इस पर क्लिक करते हैं। लेट सपोज फर्स्ट था हमारा ऑपरेटर OPE, एंटर ऑपरेटर एंड पासवर्ड है 1, एंटर, देन ही हम यहाँ पे विंडो 1 को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगेन सिक्योरिटी पे चलते हैं। अब इस विंडो को मुझे ऑफ करना है, क्लोज सिक्योरिटी से बाहर आना है, तो हम यहाँ पे लॉग ऑफ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वापस से वहां पे सिक्योरिटी लग गई। अब विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। देन अगेन हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ENG, पासवर्ड इज 2, एंटर। जब हमने सेकंड नाम दिया तभी उसने सेकंड विंडो को ऑपरेट किया और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। बैक करते हैं, इससे लॉग आउट करना है तो लॉग आउट पे हमने क्लिक किया। थर्ड है मैनेजर MAN, पासवर्ड है 3, एंटर, देन ही ये ऑपरेटर थर्ड को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, विंडो 3 को एक्सेस कर पा रहे हैं। देन लॉग आउट। और अगर हमें सिक्योरिटी लेवल एक्सेस के बिहाफ पे डिफाइन करनी है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ से इसको डुप्लीकेट किया। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो विंडो और यहाँ पे हम डिसेबल स्टेट ऑन लेस देन 200
फर्स्ट स्क्रीन के लिए, सेकंड स्क्रीन के लिए लेस देन 400 डिसेबल स्टेट ऑन, और नेक्स्ट के लिए लेस देन 600 डिसेबल स्टेट ऑन। तीनों के लिए हम एक और यूजर नेम डिफाइन कर लेते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी यूजर, तो W11, पासवर्ड इज 4, एक्सेस लेवल 200 एट W22, पासवर्ड इज 5, एक्सेस लेवल 400 एट, लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं 700 एट W1 में हम यहाँ पे कर देते हैं 650 लास्ट वाले के लिए, W33 के लिए हम कर देते हैं यहाँ पे 800 एट, उसको भी हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं 650 700 800 okay. अब जैसे ही हम यहाँ पे W11 एंटर करते हैं, पासवर्ड इज 4, तो सिर्फ इसी को ही हम एक्सेस कर पा रहे हैं। और अगर हम इसके साथ विंडोज अगर हम डिफाइन करते हैं W1, W2, W3, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ही हम मेन स्क्रीन पर वापस से पहुंच सकते हैं, लॉग ऑफ करते हैं। अब हम W22 एड्रेसिंग करके चेक करते हैं, तो देखिए अभी हमने सेकंड जो W22 विंडो थी उसके लिए जो एक्सेस लेवल दिया तो वो लेस देन 700 दिया था, तो जो 700 है वो 0 से लेकर 700 तक जो भी हमने एक्सेस दिया हो उसको वो ऑपरेट कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों विंडोज हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ये भी एक्सेस कर सकते हैं, विंडो 1 भी हम एक्सेस कर सकते हैं। लॉग ऑफ करते हैं, अगर हम W33 करते हैं और पासवर्ड देते हैं 6, तो यहाँ पे W33 and password is 6. पासवर्ड 6, तो ये तीनों को एक्सेस कर पाएगा क्योंकि इसका जो एक्सेस लेवल है वो है 800, तो 0 to 800 जो भी रेंज में होगा वो सभी को एक्सेस कर सकता है विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जैसे हमने बात किया था कि जो कंपनीज में
ऑपरेटर लेवल है, इंजीनियर लेवल है एंड मैनेजर लेवल है। जो ऑपरेटर लेवल है उसके पास सिर्फ एक ही स्क्रीन का एक्सेस होगा, तो वही स्क्रीन को वो ऑपरेट कर सकता, बाकी स्क्रीन पे वो नहीं जा सकता। लेकिन जो इंजीनियर होगा उसके पास अदर स्क्रीन के लिए भी एक्सेस होगा, जैसे कि ये इंजीनियर है, इसके पास इसके मेन स्क्रीन का भी है और फर्स्ट स्क्रीन का भी, दोनों एक्सेस इसके पास अवेलेबल है। इसी तरीके से जो मैनेजर लेवल होगा उसके पास तीनों स्क्रीन का एक्सेस होगा, तो किसी भी स्क्रीन पे जाके प्रोग्राम को चेक कर सकता है विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका उसे यूजर नेम और पासवर्ड नहीं चाहिए, वो उसी विंडो से एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से हम अपना इनटच सिक्योरिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एनिमेशन या विंडोज को क्रिएट करने के लिए, और कोई अनऑथराइज्ड जो है एक्सेस ना हो पाए, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो एक्सेस ना रहे किसी भी पैरामीटर्स को, तो उसके लिए हम इंटेक में इस तरीके से सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।